इंडिया के अंदर सारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि एक तरह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और भैया उन्होंने पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ा ही रखे हैं ना। तो टीवीएस, एथर, बजाज, ओला जैसी कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिए हैं जो कि 100 से 150 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है एक सिंगल चार्ज पे। वहीं अगर इन सब की कीमत की बात करूँ तो मैं, ये स्कूटर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में कहीं आते हैं। ऐसे में अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैं इन सभी कंपनीज के स्कूटर के बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अगर आप लोग भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो ये कुछ टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो इस साल लॉन्च हुए हैं और काफी अच्छा इनका रिस्पांस रहा है। क्योंकि ओला देख लो, बजाज देख लो, चाहे एथर देख लो, चाहे टीवीएस देख लो, ये काफी अच्छी कंपनी है। ओला ने तो रिसेंटली लॉन्च किया है स्कूटर। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेरे लिस्ट पहले नंबर पे है टीवीएस के iQube। इस स्कूटर के अंदर आपको 4.4 किलोवाट की मोटर मिलती है और इस मोटर को पावर देने के लिए इस स्कूटर के अंदर 2.2 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है जो कि लिथियम आयन बैटरी है। वहीं इस स्कूटर की ड्राइविंग रेंज की बात करूं तो मैं, ये सिंगल चार्ज पे 75 किलोमीटर चल सकता है और इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर की है। तो बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो कि है बजाज का चेतक। तो इस वीडियो में सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक नहीं बोल रहा तो समझ जाना कि हाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर ही है, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बोलना से मेरा फंबल हो जाता है। तो बात करते हैं बजाज चेतक की जो कि इलेक्ट्रिक वर्जन है। बजाज ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 किलोवाट की बैटरी दी है जो कि 3.8 किलोवाट की मोटर को पावर देता है। वहीं बजाज चेतक सिंगल चार्ज में 95 किलोमीटर चल सकता है, मतलब इतनी ड्राइविंग रेंज है बजाज चेतक की। और अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं बजाज चेतक की, वो भी इलेक्ट्रिक की, तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आवर की है। और अगर मैं फीचर की बात करूं बजाज चेतक की, तो इसके अंदर आपको LED लाइट्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। तो बात करते हैं अगले स्कूटर की जो कि एथर 450X। एथर का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज से 85 किलोमीटर की रेंज देता है आपको, मतलब इतनी ड्राइविंग नहीं देता है। और एथर 450X की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर आज की है। वही एथर कंपनी का ये दावा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है। वहीं अगर मैं कीमत की बात करूं एथर 450X की, तो इसकी जो कीमत है एक्सशोरूम वही 1,32,000 रुपए। तो बात करते हैं अगले इलेक्ट्रिक स्कूटर की, वह है हीरो की ऑप्टिमा HX। हीरो का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 वेरिएंट में अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, पहला तो है HX, दूसरा है LX। वहीं अगर मैं बात करूं हीरो ऑप्टिमा की ड्राइविंग रेंज की, तो इसकी जो ड्राइविंग रेंज है वो 122 किलोमीटर तक की है। और अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं हीरो ऑप्टिमा की, तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर की है। और लास्ट में बात करते हैं हीरो ऑप्टिमा की कीमत की, तो हीरो ऑप्टिमा की जो एक्सशोरूम प्राइस है वह 58,980 रुपए। तो बात करते हैं अपने लिस्ट के आखिरी स्कूटर की जो कि ओकिनावा आईप्रेस प्लस। इस स्कूटर में आपको 3.3 लिथियम आयन बैटरी का पैक मिलता है। वहीं ओकिनावा का ये स्कूटर एक सिंगल चार्ज पे 140 किलोमीटर तक की ड्राइविंग नहीं देता है। और ओकिनावा के स्कूटर पे आप 150 किलोमीटर तक का वेट ले जा सकते हो, मतलब इतना इसका वजन सहने की क्षमता है। तो ये कुछ ऐसे 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो इस साल लॉन्च हुए हैं, काफी अच्छी फीचर के साथ लॉन्च हुए हैं और प्राइस भी ठीक ठाक है कि हाँ आराम से एक मिडिल क्लास आदमी ले सकता है। क्योंकि नॉर्मली बाइक भी इतने की आती है, स्कूटर इतने की आता है, इतना रेंज चला जाता है और आप पेट्रोल वेरिएंट लेने की बात उस पर पेट्रोल का खर्चा भी करते हो जो कि इतना महंगा हो रखा है। तो इससे बढ़िया है इलेक्ट्रिक में स्विच करो, वो बात अलग है। अगर आप लोग को टूरिंग करना पसंद है इस वजह से आप पेट्रोल ले रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको डेली कम्यूटिंग के लिए चाहिए तो भैया मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक बेस्ट है। तो बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।